बहुत ही इंटरेस्टिंग एआई आई जिसका नाम है मिड जर्नी, जो कि बहुत मशहूर हो गई है, और उसके बाद एक और आई जेन वन, फिर आई जेन टू। ये नाम है सिंपल सॉफ्टवेयर के, जैसे आप फोटोशॉप का नाम सुनते हैं या प्रीमियर का नाम सुनते हैं, तो उनकी मदद से आप इमेजेस जनरेट करा सकते हैं। और एक साल के अंदर जो मिड जर्नी के इमेजेस हैं वो इतने चेंज हुए हैं कि अनबिलीवेबल रिजल्ट्स आना शुरू हो गए। आप कहें जी रिहान अल्लाह वाला की शक्ल बना दो चाय पीते हुए बिल गेट्स के साथ, तो फ़ोटो आ जाएगी। कहाँ से आएगी? वो जनरेटिव एआई है, वो अपनी अकल से जनरेट कर देता है, विच इज़ अ वेरी वियर्ड थिंग कि वो आपकी शक्ल को जनरेट कर दे। तो ये मिड जर्नी के कुछ सैम्पल इमेजेस आ गए हैं हमारे सामने, ये असली नहीं है, ये नकली है। इस वक्त जो टॉप सेलिब्रिटी है वो एआई है, और वो ट्विटर पे उसके मल्टीपल्स ऑफ मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, और वो नकली है, और पता नहीं वो क्या क्या कर रही है, एंड ही इज़ मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। तो ये सब फेक फ़ोटोज़ हैं, ये रियल में ऐसी कोई इंसान एग्जिस्ट नहीं करता जो हम देख रहे हैं, ये जनरेटेड एआई है। और अगर हम सिर्फ एक साल पुरानी जो एआई देखेंगे तो उसमें शक्ल चेंज हो जाएगी। जैसे ये थी फॉर एग्ज़ाम्पल, ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि ये पुरानी है, और इस वक्त की हम देखेंगे तो उसमें रियलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। क्वालिटी ऑफ इमेज की जो है शार्पनेस है वो बहुत ज़्यादा चेंज होती जा रही है। ये सिंपल प्रॉम्प्ट्स है, और ये प्रॉम्प्ट्स के ज़रिए चीज़ें जनरेट होते हैं, आप मिक्स कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट उस कमांड को कहते हैं जो आप एआई को देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा था कि ये बताओ कि वॉट इज़ स्पेशल टीवी लाहौर, तो ये एक प्रॉम्प्ट हो गया, यानी कमांड। तो उसके कमांड के नतीजे में इसने मुझे ये चीज़ें बताई। ये आपको ऊपर रेफरेंसेस नज़र आ रहे हैं कि ये कहाँ से लेकर आया है, ये सारी चीज़ें निकाल के स्पेशल टीवी क्या है। अब मैं कहूँ स्पेशल टीवी के बारे में एक इश्तहार लिख दो, वन मिनट टीवी स्क्रिप्ट, टीवी एड स्क्रिप्ट फॉर दिस टीवी चैनल। तो बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन जो उसको मिली अभी जाएगा, और इसके बारे में ये ओपनिंग शॉट आ गया, पूरी स्क्रिप्ट इसने जनरेट कर दी कि ये इश्तहार बन गया है। और आई थिंक कि आप लोग ये पहले से कर रहे होंगे, अब तो सारे ही लोग जो स्क्रिप्ट राइटर थे यहाँ तक तो पहुँच ही गए हैं, क्योंकि अपने काम की बातें सब लोग इंटरनेट से निकाल लेते हैं। आई एम श्योर कि ये निकाली, पूरा पूरा शॉट बना के इसने दे दिया कि यहाँ पे ये करो, ये दिखाओ, ये दिखाओ। ये काम करने के कुछ साल पहले तक लोग बहुत सारे पैसे लेते थे, अब ये हमारे सामने 5 सेकंड में क्योंकि जनरेट हो गई, तो अब आप कितने पैसे लेंगे? तो अब आप कहेंगे जी ये तो जी असली नहीं है, तो क्वालिटी नहीं है। तो आप इसको ये बोल सकते हैं कि आप इसको मिर्ज़ा गालिब की तरह इश्तहार बना दें। तो मिर्ज़ा गालिब कैसा इश्तहार बना दें? आप कह सकते हैं कि जी ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएटिव आर्टिस्ट है, उसके स्टाइल में बना के दो, तो उसके स्टाइल में बना देगा। अब मैं इसको कहता हूँ कि पोएम लिख दो इकबाल की तरह से, राइट अ पोएम अबाउट दिस चैनल इन स्टाइल ऑफ अल्लामा इकबाल। तो अब ये इकबाल की नज़म लिख के दे देगा आपको आपके चैनल के बारे में। अभी इंग्लिश में आ रहा है इकबाल ने, अंग्रेज़ी तो शायरी करी नहीं ज़्यादा, राइट इट इन उर्दू। पंजाबी करवा लें अगर आपको ज़्यादा नहीं, तो पंजाबी लिखवा लें, नो प्रॉब्लम। ज़बान की लिमिटेशन भी ख़त्म हो गई, ठीक है। तो इसने आपको इकबाल की एक नज़म लिख के दे दी आपके चैनल के बारे में। तो ये स्पीड हमारे सामने है, सोचने का ही टाइम की ज़रूरत ही नहीं है, ठक 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 ख़त्म आप करा लें। अब मेरी उर्दू ज़रा है, स्पेशल टीवी एक ख़ास चैनल है जो खालकों को ताकत देता है, एक शानदार प्लेटफॉर्म है, लग तो नहीं रहा शायरी हुई सही कहीं से, लाहौर से फैलता है एक शहर जो बहुत खूबसूरत है, एक चैनल जो मुख्तलिफ है। अब उसको कह देंगे तो और कॉम्प्लिकेटेड कर देगा, जितना अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे, जैसे उन्होंने कहा ये भी बताओ उसको, तो वो उतना कॉम्प्लिकेटेड आप करा सकते हैं। मज़े की बात यह है कि आप 7 साल के बच्चा बनना चाहें या 10 PhD किए हुए बनना चाहें, आपकी मर्ज़ी है, ये दोनों से उसी हिसाब से बात करेगा।